नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा में गत रात्रि एक नवविवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक सदस्यों ने ससुर परिवार पर मारपीट के लगाए आरोप। थाना बिलगा के अधीन आते फिलौर नूर महल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के कारिंदे से लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर की लूट। 51,000 रुपयों की नकदी लूट हुए फरार। अमृतसर के कोट मीत सिंह इलाके में एक शैलर में लगी भीषण आग। शैलर मालिक का लगभग 2.5 करोड़ रुपयों का हुआ नुकसान। अब हलचल विस्तार से। जीरा में गत रात्रि एक नवविवाहिता द्वारा फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। सिविल अस्पताल जीरा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मृतका के चाचा ने बताया कि मृतका लड़की ने 5 महीने पहले ही अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर घर से भागकर जीरा के गांव छीहापाड़ी के एक नौजवान के साथ प्रेम विवाह करवाया था और कुछ दिन बाद ही पारिवारिक सदस्यों द्वारा इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन लड़की के ससुर परिवार की ओर से कुछ समय बाद ही उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया गया और उसके साथ मारपीट की जाने लगी। उन्होंने बताया कि गत दिवस भी ससुर परिवार की ओर से उसके साथ मारपीट की गई और लड़की के द्वारा फोन किए जाने पर वे लड़की को ससुर परिवार के घर से ले आए और रात के समय इसी परेशानी के चलते घर में पंखे के साथ फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। तो वहीं लड़की परिवार की ओर से इंसाफ की मांग की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे एएसआई अंग्रेज सिंह ने बताया कि उन्हें सिविल अस्पताल जीरा से इस संबंधी जानकारी मिली थी, इसलिए वे मौके पर पहुंचे हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। 4-5 महीने पहले शादी हुई थी, लव मैरिज कराई थी इन्होंने, ਅਤੇ ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਜੇਠ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਸ ਸਾਰੇ ਗਲ ਪਏ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲੋਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਈ ਮੈਂ ਘਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਰੁਕਾ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ थाना बिलगा के अधीन आते फिलौर नूर महल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के कारिंदों को पिस्टल के बल पर लूट कर 2 बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। इस दौरान लूट की वारदात को अंजाम देने आए लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। तो वहीं लूट की सूचना मिलते ही थाना बिलगा की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पेट्रोल पंप के मालिक जगराज सिंह संधू ने बताया कि मंगलवार की रात को 8:30 बजे के करीब बाइक सवार 2 लुटेरे आए। उन्होंने बताया कि उक्त लुटेरों ने आते ही एक राउंड फायर किया, जिसके बाद पंप पर काम करने वाले कर्मियों से 51,000 कैश लूट कर जाते हुए एक और राउंड फायर कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि लूट की शिकायत थाना बिलगा की पुलिस को दे दी गई। तो वहीं थाना बिलगा के प्रभारी राजेश ठाकुर ने बताया कि लूट की सूचना मिलते ही मौके पर टीम भेज दी गई थी। उन्होंने कहा कि पंप के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, जल्द ही आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस कई एंगलों पर मामले की जाँच कर रही है। हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम जगराज सिंह संधू है, साडा HP हमारा पंप फरवाला है।
ਤੇ ਕੱਲ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:36 ਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤੇ ਸਾਡੀ 51,000 ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 112 ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ SHO ਸਾਹਿਬ DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CS ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7:30 ਨੂੰ ਆਇਆ 6 ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕੋਈ 8:30 ਵਜੇ ਫਰਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਫਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਮਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ HP ਦਾ 8:30 ਵਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੰਪ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਗੈਂਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੇਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ FST ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 24 ਆਵਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਪਰ ਕੋਟ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮੇ ਆਗ ਲਗਨੀ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਯਹ ਆਗ ਇਤਨੀ ਭੀਸ਼ਣ ਥੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਜਲ ਕਰ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਆਗਜ਼ਨੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਕਾ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਯੋਂ ਕੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਵਹੀਂ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਆਗ ਕੋ ਬੁਝਾਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਆਗ ਲਗਨੇ ਕਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ ਆਗ ਲਗਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਥੀ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਲਗਭਗ 10 ਗਾੜੀਓਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਆਗ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਆਗਜ਼ਨੀ ਮੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਕੋਟ ਮੇ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨੂੰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਅਨਗੜ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਬਗਵਾਨ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ 8ਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਆਈ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 4:35 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ
ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕੰਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ पूरा साथ दे रहे हैं। अमृतसर के रामबाग इलाके में एक शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं जब इसकी सूचना दमकल विभाग को मिली तो दमकल विभाग की अलग अलग टीमें मौके पर पहुंच गई और लगभग 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देर शाम अमृतसर में 3 अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई है। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने में उन्हें कुछ समय लग गया क्योंकि उनके पास गाड़ियों की कमी थी। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके के अंदर भारी मात्रा में शराब होती है जिस कारण थोड़ी थोड़ी देर में धमाके हो रहे थे, इसलिए आग पर काबू पाने में समय लगा, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम मनदीप सिंह है, वॉलंटियर ऑफ सेवा साड़ी फायर ब्रिगेड ढावसी राम। सानू 6:15 बजे इतलाह मिली सी कि रामबाग चौंक दे विच लीकर शॉप नूं एक शराब का ठेका आ उहनूं अग लगी आ। जदों आ के देखिया तां अग बहुत ज़्यादा सी। असीं पहला अग बुझा रहे हाँ, तरन तारण रोड ते एक सैलर दे विच अग लगी सी, उत्थों गड्डी कढ के असीं रामबाग चौंक दे विच पहुंचे हाँ। 10 मिंट दे विच विच गड्डी मौके ते आ के देखिया तां अग बहुत ज़्यादा सी। हुण कंट्रोल करन दी पूरी तरह कोशिश की जा रही है, 90% अग नूं कंट्रोल कर लिता गया, सिर्फ 10% रह गई, 5-10 मिंट दे विच विच कंट्रोल कर लवांगे। ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅੱਗ ਬੁਝ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕਬਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੇਲਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਬਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਤੇ ਦੁਬਈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਕੇ ਪ੍ਰਿਆਸੋ ਸੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਗਾਉਂ ਨਾਰਲਾ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ 35 ਵਰਸ਼ੀਏ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੁਬਈ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਕੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਅੱਛੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕੇ ਸਪਨੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਗਤ 21 ਮਾਰਚ ਕੋ ਹੀ ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਥਾ ਔਰ ਮਾਤਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਕੋ ਸੰਦਿਗਧ ਪਰਿਸਥਿਤੀਓ ਮੇਂ ਉਸਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੇ ਵਾਰਿਸੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੀਮ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਮਿਲਕਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੋਈ ਇਸ ਅਨਹੋਨੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਭਾਰਤ ਸੇ ਗੁਰਜੰਟ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੁਬਈ ਬੁਲਾਕਰ ਗੁਰਜੰਟ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਚਿਵ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਕੀ ਦੇਖਰੇਖ ਮੇਂ ਸਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਕਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਿਧਵਾ ਕੋ 1500 ਰੁਪਏ ਔਰ ਅੰਗਹੀਨ ਪਿਤਾ ਕੋ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਰਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੰਭਵ।
इस करके परिवार वालों समुचे रिश्तेदारों वालों सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट तो एस पी सिंह उबराए तो उन्होंने समुची टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बड़ी दुखदाई खबर मिली सी कि अमृतसर जिले तरन तारण जिले के पिंड जो नारला पिंड आ उतों का एक नौजवान सगा 35 साल का गुरजंट सिंह पुत्र काबल सिंह वो इतों अपने रुजगार की भाल वास्ते इस साल ही 21 मार्च के करीब दुबई गया सीगा पर 10 दिन बाद उत्थे उहदी बड़े अणजाण जे हालातों के मौत हो जाती है तो उस तो बाद काफ़ी समय बाद जदों इत्थे परिवार वालिया ने उन्होंने साख संबंधियों ने साडी अमृतसर टीम नाल संपर्क किया इस घटना बारे इस हादसे बारे तो फिर अबराए साहब दे संपर्क दे विच उन्होंने जानकारी दे विच सारा कुछ ये मामला आया उन्होंने फिर इतों रिश्तेदार कोई गया सीगा उहदे कोलों पछाण करवा के गुरप्रीत सिंह नां दा रिश्तेदार गया सीगा पछाण करवा के सारे उहदे कागज़ पत्र तैयार करवा के तो ये डेड बॉडी जिहड़ी आ इत्थे अज भेजी आ ते ये परिवार नाल बड़ा वड्डा हादसा होया जी। ये मुंडा बड़ा मेहनती सी दस रहा है कि बड़ा कुछ चंगा करन दी खाश नाल इत्थों गया सीगा कुछ अपने आर्थिक तौर ते परिवार नूं मजबूत करन दी खाश नाल पर 10 दिन ही सिर्फ दुबई उत्थे रहा उस तो बाद उहदी मौत हो गई उत्थे पिछे इहदी वाइफ आ एक बेटी आ इहदी 1.5 साल दी वाइफ प्रैगनेंट आ इहदे फादर साहब वो शरीरक तौर पर वो ठीक नहीं गए सो ये परिवार नाल बहुत दुखदाई हादसा होया जी। तो ये भी हुण तक यह आ कि सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों जी हुण तक ये जिहड़े पीड़ित नौजवान ज मृतक नौजवान जिहड़े उत्थे कोई इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं उन्हां दीआं डैड बॉडीज़ इत्थे भेजी जांदीआं ने। इस केस दे विच जिहड़ा खर्चा आ वो सारा जिहड़े मृतक नौजवान दे रिश्तेदार उन्हां कीता एक ने बाकी जिहड़ा जो कागज़ पत्र सी सारा राय साहब ने अपने जिहड़ा उन्हां दे पीए ने बलदीप सिंह चाल उन्हां दे राहीं सारा कागज़ पत्र तैयार करके ये डैड बॉडी भेजी आ। तो यह भी दसदा जावां कि 355 तो वध जिहड़ियां ने डैड बॉडीज़ जिहड़ियां हुण तक राय साहब सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों वो अपने यत्न नाल भेज चुके ने। इत्थे अजी वेखो लोड़वंद की बांह फड़नी जिवें राय साहब हर खेत्र दे विच ही कल इस नहीं होर भी खेत्र दे विच तुहानूं याद होना कि जिवें लॉकडाउन दे विच बहुत सारे नौजवान उत्थे बेरोज़गार हो गए सीगे फस गए सी उधर खाड़ी मुल्कां दे विच ते उदों वी राय साहब ने केवल यही नहीं कि सिर्फ जिहड़े डैड बॉडीज़ भेजदे आ उदों जिहड़े नौजवान उधर फस गए सी चार चार्टर्ड प्लेन करके अपने खर्चे ते सालम जहाज जिहड़े करके वो सैकड़े की गिणती दे विच जिहड़े वो नौजवान इत्थे लैके आए सी राय साहब इस तरह वख-वख खेत्रां दे विच खास करके इहो जिहे हालात दे विच जदों किसी की उत्थे बांह फड़न वाला कोई नहीं परिवार की इन्नी समर्था ते पहुँच नहीं हुंदी कई वारी कि उत्थे जा के वो अपने लाडले नूं अपने पुत्तर नूं वापस लिया सकन उहदे आखिरी वार दर्शन कर सकन उहदियां अंतम रस्मां का आप कर सकन ते फिर इहो जिहे मौके ते राय साहब नूं याद कीता जांदा ते वो कदी भी उन्होंने जिहड़ा अजे तक मतलब ना नहीं कीती किसी नूं। ते दूसरा यह भी आ कि उन्होंने हुण हुणे गल होई सी उन्होंने ऐलान कीता राय साहब ने कि 2500 रुपया प्रति महीना पेनशन जिहड़ी आ उह मृतक नौजवान गुरजंट सिंह दे परिवार नूं दित्ती जाऊगी वो किस तरह वंड करनी है वो सारा दस्या गया 2500 रुपया महीना पेंशन भी जी लाती गई है। प्रसिद्ध समाज सेवक अजय पीवाल अपने साथियों सहित कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें और उनकी टीम को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया। इस अवसर पर राहुल अजय कुश तनिष पवन मोंटी बाबा बंटी सुदेश कुमार जतिन कृष्णा गौरी नैनी अंशु जतिन कुराल लवू आदि को भी पार्टी में शामिल करवाया गया। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं अजय पिवाल सोशल वर्कर दीपनगर तो जी। आज मैं तो मेरा पूरा परिवार चरणजीत सिंह चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब दी नीतियां नू देखते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करन लगे हैं जी। तो मैं दिल दी गहराइयां तो चरणजीत सिंह चन्नी जी और सरदार प्रगट सिंह MLA जलंधर कैंट ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ। ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ੰਖਲਾਬੱਧ ਸਪਤਾਹਿਕ ਦਿਵਯ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਮੇ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਦੁਆਰਾ ਮੁਖੀ ਜਜਮਾਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੇ ਸਪਰਿਵਾਰ ਪੰਚੋਪਚਾਰ ਪੂਜਨ ਸ਼ੋਰਸ਼ੋਪਚਾਰ ਪੂਜਨ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਨ ਉਪਰਾਂਤ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਰਵਾਈ ਗਈ। तो वहीं हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति उपरांत सिद्ध मां बंगला मुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों को ईश्वर स्मरण के बारे में बताते हुए कहा
कि आज की भागम भाग जिंदगी में हर व्यक्ति शांति सुकून चाह रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। आज व्यक्ति जीवन में नाम मान शान पद पोजीशन के पीछे भाग रहा है, जबकि ये सब एक परछाई की तरह है। ठीक इसी प्रकार से जीवन की हर समस्या का समाधान परमात्मा की याद है। अपना मुख ईश्वर की तरफ रखो और उसके बताए हुए मार्ग पर चलो। ईश्वर को नित प्रतिदिन याद करो तो सब आपके पीछे आएगा, वही जीवन का मूल मंत्र है। तो वही नवजीत भारद्वाज ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ बंगलामुखी जयंती महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से 16 मई 2024 दिन गुरुवार को मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी भक्तजनों को इस अवसर पर बढ़ चढ़कर सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर श्रीकंठ जज निर्मल शर्मा, श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, सरोज वाला, सुनीता, अंजू, गुरवीर, मंजू, प्रिया, वैशाली, मधु, रजनी, नरेश, कोमल, अनीता, बिंदु, कमलजीत, धर्मपाल, कमलेश, पूजा, काजल, अमरजीत सिंह, राकेश प्रभाकर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, समीर चोपड़ा, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, नवीन, जोगिंदर सिंह, मनीष शर्मा, सुखा, मनदीप, अवतार सैनी, गौरी, केतन शर्मा, विलक्ष्य चुग, सौरव, अजय शर्मा, सोनू छाबड़ा, सरोज बाला, सुरेंद्र सिंह बाबा, रिंकू सैनी, दीपक, प्रदीप, प्रवीण, राजू, अमदीप शर्मा, गुरप्रीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, अमन शर्मा, वरुण, दिलीप, लवली, लकी, रोहित, विशाल, अश्विनी शर्मा, रवि भल्ला, भोला शर्मा, जगदीश, सुनील जग्गी, दीपक, प्रिंस कुमार ठाकुर, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। समाज सेवा के कार्यों के लिए अग्रसर रहने वाले अरविंद कुमार अग्रवाल मृदुल की तरफ से एक शाम माधव माधवी के नाम राधा नाम संकीर्तन का आयोजन संयोग पैलेस में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया गया। एक शाम माधव माधवी के नाम संकीर्तन में भव्य श्रृंगार, 151 महाभोग प्रसाद, कुलिया प्रसाद, फूल बंगला, 21 लकी ड्रॉ भी निकाले गए। इस आयोजन में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विच पूर्व CPS KD भंडारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, आप नेता राजकुमार शर्मा, आप नेता बंटी अरोड़ा, रमन शिव मंदिर पृथ्वी नगर के प्रधान महंत अशोक शर्मा, श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्र देव बबलू पंडित ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद दिया तथा इस धार्मिक आयोजन के लिए अरविंद कुमार अग्रवाल व उनकी पूरी टीम को बधाई भी दी। इस समारोह में भक्तों को आशीर्वाद दिलाने के लिए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत राम सुंदरदास महाराज विशेष रूप से पहुंचे। इससे पहले एक शाम माधव माधवी के नाम राधा नाम संकीर्तन में ब्रज अनुरागी पूजा सखी पटियाला वाले और गुलशन भैया वृंदावन वालों ने संकीर्तन कर उपस्थित प्रभु भक्तों को देर रात तक झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर अरविंद कुमार अग्रवाल, हिमांशु मेहता, मुनीष भारद्वाज, तिलक राज भाटिया, हनी शर्मा, सौरभ कोहली, रमन आहूजा, वीना कन्हैया, अनीता आहूजा, अजय कुमार साहनी सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्तजन शामिल रहे। इस समारोह में आए हुए प्रभु भक्तों के लिए लंगर प्रसाद के रूप में लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जीवन से राम, जीवन से राम, दुखों का मारा हूँ, मेरे दुख मिटा देना, I'm not
Thank you.
Thank you.
गुरु गोविंद दोनों खड़े में काके दा गुफा बलिहारी सतगुरु आपने जिन गोविंद दियो क्योंकि बिना गुरु कृपा के बिना गुरु कृपा के गोविंद तक पहुंचना मुश्किल है। अगर गोविंद को पाना चाहते हो तो पहले गुरुदेव की शरण में आना पड़ेगा। धन्य हो धन्य है हम जो ऐसे गुरुओं का ऐसे रसिक जन का ऐसे संतों का प्यार मिला। शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन ग्रोवर कॉलोनी जालंधर में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के संचालक हैप्पी बाबा ने आए हुए यजमानों से विधिवत मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ में होतियां डाल यज्ञ को संपन्न करवाया। उन्होंने बताया कि पूरे जालंधर शहर में ये माँ बंगलामुखी का प्रथम दरबार है, जो कि पिछले 22 वर्षों से माँ बंगलामुखी के हवन यज्ञ का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि माँ के दरबार में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मौके पर प्रवीण कतियाल ने बताया कि 16 मई दिन गुरुवार को माँ बंगलामुखी जयंती के शुभ अवसर पर प्रातःकालीन 7 बजे से 8:15 बजे तक प्रथम हवन यज्ञ एवं दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दूसरा हवन यज्ञ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर माँ बंगलामुखी जी को अलग अलग प्रकार की व्यंजनों की भोग लगाई जाएंगी और साईं माँ बंगलामुखी जी की चौकी का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जाएगा। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रवीण कतियाल, सोनू, हैप्पी बाबा, आचार्य श्री विजय शास्त्री, विकी विज, बब्बा अंगुराल, अमित गुजराल, अंजय नारंग, राहुल चड्डा, जीएस नंदा, मनोज चड्डा, दीपांशु, रॉकी खुराना, दिलजोत चावला, जतिन कुमार, दिवांश चड्डा, कपिल शर्मा, यशपाल, कमल किशोर, दीपांशु महाजन, पंकज सरपाल, वरुण तनेजा, राकेश अंगुराल, राजेश मनचंदा, विकी अग्निहोत्री, एम्पल ठाकुर, गीतिका कतियाल, पूजा रिया, वंदना शर्मा, निधि शर्मा, राधिका महाजन, सिमरन चड्डा, एडवोकेट सिमरन भल्ला सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। बोल साचे दरबार की जय। सारे माँ बंगलामुखी की जयंती बड़े धूमधाम नाल मतलब पिछले 22-23 वर्षों तो बड़े धूमधाम नाल इत्थे शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर ग्रोवर कलोनी दे विच बड़े धूमधाम नाल मनाई जा रही है। उवें इस बार भी 16 तरीक नूं अगले वीरवार इत्थे बड़ी धूमधाम नाल माँ बंगलामुखी जयंती मनाई जा रही है। सवेरे रूटीन नाल हवन होएगा 7 बजे, फिर 3 बजे है हवन, शामी माई की चौंकी है, रवि चंचल की दिल्ली वाली पार्टी मनाई है जी। सारे भक्त आके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दुमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का
आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश राम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन स्वदेश भगत की रिपोर्ट। माँ भगवती का हम यज्ञ शुरू कर रहे हैं और मेरे जितने भी देश विदेश में बैठे हुए मेरे दोस्त हैं, मेरे माँ भगवती के श्रद्धालु हैं जिन्होंने बहुत सारा सहयोग मेरे को भेजते हैं, तो उन मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर उनका मैं विशेष रूप में अभिनंदन करता हूँ कि आप दूर बैठ कर भी हमारे साथ हैं, तो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो आप सबका बहुत ही खासतौर पर अपने जितने भी बच्चे गए हैं वो उनका एक मन में एक उत्साह है कि हमने माँ भगवती जयंती पर कुछ करना है, और मैं उनके उत्साह को देखते हुए ये भी कोशिश करूँ कर रहा हूँ कि ये जो महायज्ञ होगा सभी को लाइट चुका हुआ जितना ये चलेगा कोशिश करूँगा सभी को लाइट चुकाऊंगा, और उसके लिए मैं जो स्पिनिंग की जो कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह 8 बजे से लेके जब तक पूर्ण होती नहीं होती सभी को लाइव माँ भगवती का जो यज्ञ है वो हम दिखाएंगे। तो इसी शुभ के साथ आज का जो महायज्ञ है वो शुरू कर रहे हैं। आपको सुख मुक्ति मिले और माँ भगवती के लिए कुछ करने के लिए आपको प्रेरणा मिले। जय तारा बगला मुख्य देवी जी दरबारे की जय सिंहासन परिगतामी सम्रामी जीवन ग्रां क्रीम देवी रामीण शत्रुघ्नि गदाप्रभुदेवी समस्त कार्य हेतु मंगल कार्य हेतु आनंद हरिशे हरिम स्वाहा ओम हरिम बमला मुखे सर्वदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरे मां स्वाहा ओम हरिम बदलामुखे सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरे मां स्वाहा ओम हरिम बदलामुखे सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरे मां स्वाहा ओम हरिम बगला मुखे सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिम स्वाहा ओम हरिम बगला मुखे सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिम स्वाहा ओम हरिम बगला मुखे सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिम स्वाहा ओम हरिम बगला मुखे सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिम स्वाहा ओम हरिम बगला मुखे सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरे ओम स्वाहा ओम हरिम बगला मुखे सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरे ओम स्वाहा। अर्जुन चलेगा क्योंकि मेरे को ये पता लगा कि उस दिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हमने जैसे पहले प्रोग्राम था कि हमारा सुबह अग्नि यज्ञ था और शाम को हमने नगर कीर्तन रखना था, लेकिन वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसका कारण ये था कि
एक तो सभी ने केवल सुबह से सुबह ही नहीं, आपने जो विशेष हमारे मेंबर हैं उन्होंने तो मंगलवार से उनका काम शुरू होगा, सोमवार से शुरू होगा, क्योंकि सोमवार जब यज्ञ कुंड बनने शुरू होंगे तभी से उनका काम शुरू हो जाएगा। तो मुश्किल हो सकता है और गर्मी भी ज़्यादा होगी और मेरे को लगता है कि 11-12-13 तारीख को थोड़ी सी बरसात का भी मौसम बताया हुआ है। तो ये सब जो कार्य हैं वो मां भगवती के ही कारण होते हैं, हमने हम चाहे जो पति चाहे वो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं उन सबका आभारी हूँ तो बहुत सारा हमारा साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। देखिए पूरे शहर में अभी एक भी हमारा बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमारी जो टीम है उस टीम ने पूरे पंजाब के जितने भी VIPs हैं उनको मंत्र दे दिया है और साथ ही जहाँ हमारे जितने भी जनमान्य हैं उनको सभी को मंत्र दे दिया है और सभी की एक ही आवाज है कि हमने गुरु जी के वहां पर चाहे जितना भी समय मिले जरूर पहुंचना। तो ये सब मां भगवती की कृपा है, थोड़ा सा आप सब ने ये जरूर करना है कि उनको आपके काम चाहे बंद हो लेकिन आपकी खुली होनी चाहिए। रास्तों पर जितने हमारे बैठे हैं उनकी मैं ये आज इस बार की खास परीक्षा होगी, आप सबने आंखें खोल के एक दूसरे से शो नहीं करना भी एक दूसरे का इशारे करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ठीक लगता है लेकिन जब बाहर से लोग आएंगे ना उनके सामने इशारे अच्छे नहीं लगते कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, बस एक बार ऐसे देखना तो उसे आपको पता लगना चाहिए कि गुरु जी कुछ कह रहे हैं या हमारे संदीप जी कुछ कह रहे हैं या आयुष कुछ कह रहे हैं या अश्विनी जी कुछ कह रहे हो। ठीक है, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वैसे तारीफ कम नहीं करता हूँ किसी की क्योंकि मेरी कोई तारीफ नहीं करता, मैं भी नहीं किसी की करता, लेकिन ये बात सच है कि संदीप से ज़्यादा कोई भी बिजी बंदा जलंधर में नहीं, पहले नंबर पर ये बात क्योंकि उसमें पूरा समान होगा। दूसरा अश्विनी और आयुष जी ये दोनों इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनको उनका काम ये अगर आधा घंटा अपने ड्रेस से निकलते हैं ना तो उनके कम से कम 5 घंटे खराब हो जाते हैं। तो अगर ये समय निकाल सकते हैं तो आप खुद ही सोचो, बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आपको रिवार्ड यही मिलेगा बाद में। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जीरा में गत रात्रि एक नव विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पारिवारिक सदस्यों ने ससुर परिवार पर मारपीट के लगाए आरोप। थाना बिलगा के अधीन आते फिलौर नूर महल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के कारिंदे से लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर की लूट, 51,000 रुपयों की नकदी लूट हुए फरार। अमृतसर के कोट मीत सिंह इलाके में एक शैलर में लगी भीषण आग, शैलर मालिक का लगभग 2.5 करोड़ रुपयों का हुआ नुकसान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।